Hello everyone, welcome to IBS Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9, subject English, unit 1, reading C, Salu Marada Thimakka. In the last video lecture, we discussed about the use of not only but also. And today we will discuss about despite and in spite of. Despite and in spite of, dono hi ek dusre ke synonyms hai aur dono ka matlab hai iske bawajood. Despite and in spite of में despite को ज़्यादा formal कहा गया है. Despite means होता है even though and it is the opposite of because of oblique due to. इसे because of and due to का just opposite माना गया है. And despite या फिर in spite of का use noun या फिर noun phrase से पहले किया जाता है. इसके अलावा इसका use हम gerund से भी पहले कर सकते हैं. जैसे Despite the very important work, he agreed to come to me. या फिर despite की जगह पे हम in spite of का भी use कर सकते हैं. In spite of the very important work, he agreed to come to me. Means बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने के बावजूद वह मेरे पास आने के लिए agree हुआ. इस तरह से. Next है despite all the hours of practice and training, we lost the game. अब despite की जगह पे हम in spite of का भी use कर सकते हैं. जैसे in spite of all the hours of practice and training, we lost the game. यानी घंटों practice and training करने के बावजूद हम game हार गए. Next देखते हैं और examples. Example है despite the cool day, he doesn't want to go out. या फिर in spite of the cool day, he doesn't want to go out. यानी ठंडा दिन होने के बावजूद वह बाहर नहीं जाना चाहता. तो अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे उसमें डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ सेंटेंस के शुरू में आए. अब हम देखेंगे कि डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ सेंटेंस के मिडिल पार्ट में आने वाले हैं. जैसे दे हेल्प्ड अस इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज या फिर दे हेल्प्ड अस डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज. यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट सेंटेंस के मिडिल पार्ट में आया है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ को हम सेंटेंस के शुरू में भी और सेंटेंस के मिडिल पार्ट में भी लिख सकते हैं. ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. सो इसका मीनिंग हो जाएगा कि डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हमारी मदद की. नेक्स्ट है ही हैड प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क या फिर ही हैड प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश डिस्पाइट हार्ड वर्क. यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं. सो इस तरह से हमने डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ के यूज़ के बारे में जाना. अब हम देखेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रेट वर्क थिमक्का डिड इवन दो सी हैड मैनी हार्डशिप्स टू फेस इन द इनिशियल स्टेज. यूज डिस्पाइट oblique in spite of to begin the narration. Make meaningful sentences according to the passage from the given table. Table में कुछ sentences दिए हुए हैं और इन sentences में हमें despite या फिर in spite of का use करके एक meaningful sentence बनाना है. So let's see despite या फिर in spite of her hard work at the quarry. यानी क्वेरी पे यानी खदानों पे कठिन परिश्रम करने के बावजूद क्या होता था. सी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. वो क्या करती थी. सी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह पौधों को पानी डालती थी. नेक्स्ट है डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस. यानी उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद भी सी बॉट सैपलिंग्स एंड ग्राफ्टेड देम. उन्होंने पौधे खरीदे एंड उनका रोपण किए यानी वृक्षारोपण किए. नेक्स्ट है डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ नोइंग नॉट एन ईजी टास्क. ये जानने के बावजूद कि ये ईजी टास्क नहीं है उन्होंने क्या किया. डिसाइडेड टू प्लांट सैडी ट्रीज अलॉन्ग 4 किलोमीटर्स. उन्होंने 4 किलोमीटर्स की रेंज में सैडी ट्रीज लगाने का निर्णय लिया. नेक्स्ट है इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हर अदर डोमेस्टिक वर्क. यानी उनके अन्य डोमेस्टिक वर्क के बावजूद सी वरीड अबाउट स्टोरिंग वाटर फॉर द
विलेज यानी गांव के लिए वो पानी एकत्रित करने के लिए वरिड रहती थी, चिंतित रहती थी। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर सी रिसीव्ड, यानी अवार्ड्स एंड सम्मान, विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स एंड सम्मान प्राप्त करने के बावजूद वो कैसी रहती थी? सी इज एज सिंपल एंड हम्बल एज एवर, वो सिंपल एंड हम्बल रहती थी जैसे वो पहले रहती थी। सो इस तरह से हम डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।